गाइस एक बार फिर से स्वागत है हीरो हैकर में। तो गाइस इस वीडियो में फिलहाल आप लोगों को मैं गूगल ट्यूब का जो ट्रिक है बताऊंगा कि कैसे पुराना पुराना यूजर्स एंड ओल्ड यूजर्स सब लोगों को मिलेगा। तो गाइस घबराए मत, बस वीडियो को पूरा देखे एंड एंड तक देखोगे ताकि समझ में पूरा चीज़ आप लोग क्लियर हो जाए। एंड गाइस ऐसा ट्रिक आप लोग को बताऊंगा जो 100% वर्किंग ट्रिक है। ओके गाइस, जैसे कि बहुत सारे लोग फेक वीडियो बनाते हैं जैसे कि मिलेगा, एंड इस वीडियो में आप लोगों को सब डाउट जो है क्लियर कर दूंगा एंड 100% जो है कैश कार्ड आप लोगों को मिलेगा। ओके गाइस, तो सिंपली आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, गूगल ट्यूब का जो ओल्ड वर्जन है सबसे पहले अपडेट करना है। ओके गाइस, एंड इस ट्रिक को दोहराने के लिए आपको दो मतलब डिवाइस का जरूरत है। ओके गाइस, तो किस लिए जरूरत है वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, बस वीडियो को एंड तक देखते रहो एंड गाइस एक लाइक जरूर कर देना। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको ड्यू में आ जाना है एंड ड्यू में आने के बाद गाइस यहां पर से मैं देखो दिखा देता हूं, यहां पर से थ्री डॉट में क्लिक करके। ओके गाइस, तो थ्री डॉट में मैं क्लिक कर देता हूं। थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद गाइस यहां पर से देख सकते हो इनवाइट फ्रेंड्स, इनवाइट फ्रेंड के बाद यहां पर से देख सकते हो आपका एक रेफरल लिंक आ जाएगा। सबसे पहले रेफरल लिंक जो आना मस्ट है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। अगर आपके रेफरल लिंक शो नहीं कर रहे तो गाइस उस वीडियो को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ओके गाइस, अगर शो करता है तो देखने की कोई जरूरत नहीं। तो सिंपली आपको यहाँ पर से देखो शेयर करने के बाद आपको व्हाट्सएप में जो है शेयर कर देना। ओके गाइस, तो सिंपली यहाँ पर से मैं व्हाट्सएप में इसको शेयर मेरे खुद को ही शेयर कर देता हूँ। तो गाइस सिंपली यहाँ पर से मैंने शेयर कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना होगा, गूगल पे को भी एक बार डाटा क्लियर कर देना होगा। इस दोनों का ही दोनों डाटा क्लियर कर देना। डाटा क्लियर से करने से पहले गूगल ड्यू का एक मतलब काम आप लोग कर लेना होगा। सिंपली थ्री डॉट में जाके यहाँ पर से देखो सेटिंग का एक ऑप्शन होगा ऊपर में सबसे ऊपर पे, उसके बाद देखो गूगल रिमूव गूगल अकाउंट। ओके गाइस, तो आपको सिंपली जो गूगल ड्यू का अकाउंट जो है रिमूव कर देना होगा। ओके गाइस, तो रिमूव कर दिया। ओके गाइस, तो सिंपली इसको मैं बैक कर देता हूँ। एंड उसके बाद गाइस आपको ये जो है गूगल पे का इसका भी आईडी जो है आपको हटा देना, जैसे कि ऊपर में मेरा एक आईडी शो कर रहा है, तो गाइस इसका हटा के किसी अदर आईडी का लेना। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर से देख सकते हो तो इंस्टॉल एप्लीकेशन का एक ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइस, तो सिंपली यहाँ पर से तो इंस्टॉल आपको दोनों को जो डाटा क्लियर कर देना है। तो गाइस आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो ईमेल आईडी चेंज करना होगा। ओके गाइस, तो सिंपली वीडियो को ध्यान से समझो, नहीं तो गाइस सब कुछ जो है शेयर के ऊपर से चला जाएगा ना आप लोगों को जो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सिंपली यहाँ पर से मैंने सबका जो क्लियर डाटा कर लिया। एंड क्लियर डाटा करने के बाद गाइस आप लोगों को क्या करना होगा, गूगल को ड्यू तो कर लिया, उसके बाद देखो आपको सिंपली गूगल पे का सेम नंबर से अलग ईमेल आईडी से डाल देना होगा। क्योंकि तो सिंपली छोटा सा काम आप सब लोग तो कर ही सकते हो, तो सिंपली मैं करके दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक अलग जी मेल आई डी सिलेक्ट कर लिया। ओके गाइस, तो सिंपली मैंने अलग जी मेल आई डी सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद गाइस आप लोगों को इस तरह से फॉर्म आ जाएगा। तो गाइस थोड़ा सा वेट वेट लगेगा एंड यहाँ पर से ओटीपी जो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर से देख सकते हो मेरा हो गया। एंड होने के बाद आपका जो है यहाँ पर से तो कंटिन्यू में आ गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर से कर देता हूँ। एंड करने के बाद गाइस यहाँ पर से आ जाएगा आपका गूगल अकाउंट जो है रिस्टोर करने के लिए। तो सिंपली यहाँ पर से देखो पूरा की पूरा इस तरह का नया अकाउंट जो है बना लेना। ओके गाइस, तो बनाने के बाद यहाँ पर से देखो एड बैंक अकाउंट गया। बैंक अकाउंट आने के बाद यहाँ पर से देखो पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जो गाइस गूगल पे अभी तक साइन अप नहीं किया हो तो गाइस उन लोगों को देख लेना कैसे करना है। ओके गाइस, तो सिंपली इस तरह से देख सकते हो पेटीएम पेमेंट्स बैंक जिस नंबर पे उस नंबर पे दे देना है। अगर आपके मेरे इस मोबाइल पे एक सिम है, अगर आपके मोबाइल पे दो सिम है तो गाइस सिलेक्ट कर लेना। ओके गाइस, तो जो लोग साइन अप नहीं किया तो गाइस साइन अप का प्रोसेस भी देख लो। तो गाइस इस तरह से सेंड वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पर से वेरीफाई होगा फिचिंग बैंक अकाउंट, मतलब कि मेरे इस सिम में बैंक अकाउंट। यहाँ पर से देखो अगर जो लोग पुराने मतलब न्यू सर तो गाइस यहाँ पर से डोंट नो यूपीआई पिन देखे कर लेना, लेकिन तो मेरे पास अभी ऑलरेडी यूपीआई पिन क्रिएट है। तो गाइस मैं एंटर यूपीआई पिन में क्लिक कर देता हूँ एंड मेरे एक बार जो यूपीआई पिन दे देता हूँ। तो सिंपली मैंने देखो आप लोगों को सामने ही पिन दे दिया। एंड पिन देने के बाद गाइस यहाँ पर से थोड़ा सा ऑलोडिंग लगा, यहाँ पर से देखते हो बैंक अकाउंट एडेड। ओके गाइस, तो यहाँ पर से देख सकते हो मेरे पास एक मतलब कि नया गूगल का अकाउंट शो हो गया। ओके गाइस, उसके बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली डाटा को क्लियर करके रखा है, उसके बाद आपको सिंपली आ जाना है व्हाट्सएप में। ओके गाइस, तो सिंपली मैंने व्हाट्सएप में आ गया। व्हाट्सएप आने के बाद देखो यहाँ पर से मैंने गूगल ड्यू का जो लिंक सेंड करके रखा, लिंक सेंड कर रखने के बाद गाइस यहाँ पर से देखो लिंक को मैंने ओपन कर रहा हूँ। एंड ओपन करने के बाद आपको कोई सा भी ब्राउजर में जो है ओपन कर लेना है। ओके गाइस, आप चाहे तो क्रोम ब्राउजर से ओपन ना करना ही सही। ओके गाइस, क्योंकि क्रोम ब्राउजर जो सबके डिटेक्ट करता है। गाइस यहाँ पर से आपका ड्यू का वर्सन जो है अपडेट वर्सन होगा मतलब होना होगा। ओके गाइस, तो ड्यू को अपडेट कराना, सिंपली यहाँ पर से देखो मैंने ड्यू को जो है ओपन कर रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ पर से सिंपली थोड़ा सा देर वेट यहाँ पर से ले लेता हूँ एंड यहाँ पर से आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद गाइस आपको गिव एक्सेस में क्लिक कर देना होगा। एक्सेस में क्लिक करने के बाद इस तरह से कि मोबाइल आएगा, देखो यहाँ पर से देखो मोबाइल नंबर जो है आ गया। ओके गाइस, तो आपको सिंपली अपडेट नंबर पर क्लिक कर देना है। ओके गाइस, तो सिंपली यहाँ पर से देखो फिर से इस तरह से आ गया एंड यहाँ पर से आपका जो मोबाइल नंबर है वो चेंज कर देना होगा। ओके गाइस, तो सिंपली मैं इसको चेंज करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइस एक मोबाइल नंबर मैं जो है डाल देता हूँ। ओके गाइस, तो सिंपली डालने के बाद दिखा देता हूँ।
सो गाइस अब से मैंने एक नंबर दे ओके गाइस, नंबर देने के बाद गाइस फोन वेरीफाई मांग रहा तो वेरीफाई दे दे, उसके बाद गाइस मैंने अलाउ पे क्लिक कर दे ओके गाइस। सिंपली यहाँ पर से देखो कुछ अलाउ टेलाउ मांग रहा है तो गाइस यहाँ पर से कोई दिक्कत नहीं, अलाउ टेलाउ सब कुछ जो कर देता हूँ। उसके बाद गाइस इस तरह से आ जाएगा, फिर सिंपली एक बार नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे नेक्स्ट में क्लिक कर देना होगा यहाँ पर से तो ई मेल आई डी मांग रहा है, तो गाइस आपको जो है एक अलग से ई मेल आई डी दे देना ओके गाइस, जो ई मेल आई डी आपका गूगल मतलब कि मैंने अभी अभी खोला ओके गाइस। ई मेल आई डी देने के बाद आपको सिंपली वेरीफाई में क्लिक कर देना होगा, एंड वेरीफाई में क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आप लोग कुछ करना नहीं है, सिंपली इस तरह से वेट करना है। तो सिंपली यहाँ पर से तो फिलिस वेट वाइट प्रोसेस, और उसके बाद यहाँ पर से देख सकते इस तरह से फॉर्म आ गया। तो कैसे आप लोगों को डिसमिट में कुछ करना नहीं है, सिंपली इस तरह से आ जाना है, इनवाइट फ्रेंड्स में आ जाना है। इनवाइट फ्रेंड में आने के बाद कैसे आप लोगों को इस तरह से आ जाएगा, एंड कैसे मैं चेक करके देख लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर से देखो आपका इनवाइट का जो है ऑप्शन आ जाएगा ओके गाइस। सो सिंपली यहाँ पर से देख सकते हैं इनवाइट फ्रेंड्स। सो गाइस आपको सिंपली इस तरह से एक जो न्यू अकाउंट बना लेना ओके गाइस। सो सिंपली इसको मैं कट कर देता हूँ आप लोगों के सामने, एंड उसके बाद आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर से देख सकते हैं इनवाइट फ्रेंड का ऑप्शन आ गया ओके। उसके बाद इसको दे आप लोग व्हाट्सएप में जो है शेयर कर सकते हो, सिंपली इसको मैं जो है शेयर कर देता हूँ ओके गाइस। तो यहाँ पर से देखो आपका क्या होगा, इस तरह से गूगल ड्यू का जो एक लिंक मिल गया। लिंक मिलने के बाद गाइस आपको पहले ही बताया था आप लोगों का दो डिवाइस है, तो दो डिवाइस का आपको किसी फ्रेंड को शेयर कर देना है। उसके बाद गाइस जो न्यू रेफरल से कर देना है ओके। ऐसे यहाँ पर से एक ट्रिक काम कर रहा है, क्योंकि देखो अगर आप किसी फ्रेंड को रेफर करोगे तो अपना गूगल पे ज्वाइन होगा, उसके पास कोई गूगल अकाउंट होना जरूरी नहीं है, कुछ भी होना जरूरी नहीं है, ना ही गूगल अकाउंट का जरूरत है कुछ जरूरत नहीं ओके गाइस। तो पहले लॉजिक को समझो ओके गाइस। तो देखो यहाँ पर से देखो ये है मेरा गूगल अकाउंट, एंड ये गूगल अकाउंट मेरा गूगल पे से लिंक है। अगर आप किसी फ्रेंड को रेफर करोगे जैसे कि सोच लो आप किसी फ्रेंड को रेफर कर रहे हो, रेफर करने के बाद क्या होगा, अगर आपकी फ्रेंड आपका लिंक से ज्वाइन होता है तो आपको एक कैश कार्ड मिल जाएगा, आपको फ्रेंड को भी कैश कार्ड मिल जाएगा। समझ लो कि आपके फ्रेंड के पास गूगल अकाउंट नहीं है तो आपको फ्रेंड का भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो रेफर का कैश कार्ड आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको फ्रेंड का भी किस पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक कैश कार्ड मिल जाएगा। सिंपली ये जो ट्रिक कर रहा है रेफर का ट्रिक कर रहा है सिंपली आपको, क्योंकि ऐसा बहुत सारा एंड्रॉयड डिवाइस है, बहुत सारा एंड्रॉयड फ़ोन है आपके घर पे भी है जो अभी तक गूगल पे को डाउनलोड नहीं किया। कई उन लोगों को गूगल पे का डाउनलोड करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। सिंपली क्या करना है आपको, सिंपली आपका फ्रेंड को रेफर कर देना, रेफर करने के बाद उसको गूगल ड्यू तो उसका फोन पे होगा, एक बार गूगल ड्यू को अपडेट कर लेना, एंड डाटा क्लियर कर देना, फिर से आपका रेफर लिंक आपका फ्रेंड को सेंड कर देना, एंड आपका रेफर लिंक से आपका गूगल आईडी से पास साइन अप कर लेना, और कुछ नहीं, न्यू नंबर से साइन अप कर लेना, देखना ना इंस्टेंट की इंस्टेंट आपका गूगल ड्यू पे जो कैच कार्ड आ जाएगा, एंड आपका गूगल पे अकाउंट पे न्यू गूगल पे अकाउंट पे मतलब कर लेना। एंड गाइस ये जो ऑफर से न्यू मतलब कि न्यू गूगल अकाउंट के लिए काम कर रहा है, क्योंकि ये शायद मुझे पता नहीं कि मैं पहले भी इसको यूज़ कर रहा था, लेकिन मुझे कैच कार्ड जो एक भी कैच कार्ड नहीं मिल रहा था ओल्ड डिवाइस में, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि यहाँ पर से एक जीमेल आईडी बना के नया बना लो ओके गाइस। नया बनाने के बाद किसी फ्रेंड को शेयर करो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका फ्रेंड का गूगल पे अकाउंट होना जरूरी नहीं है, आपका फ्रेंड का कुछ होने का जरूरत नहीं है, बस रेफर कर दो एंड पैसा कमा दे जाओ ओके गाइस। और इसके बाद भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाने के लिए जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सबको पता चले, एंड कैसे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल इसलिए दबा के रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ताकि कोई सा भी मैं अपडेट दूँ ताकि आप लोगों को सबसे पहले पहुँच सके एंड सबसे पहले उठ सके। एंड कैसे यहाँ पर से एक बात और कहना चाहूँगा, MPL मोड का एक न्यू वर्जन आया है ओके। ऐसा अगर न्यू वर्जन आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं उसके ऊपर MPL मोड वर्जन के ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा ओके गाइस। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूले ओके गाइस, अपने दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एंड गाइस जो ट्रिक मैं बताया उस ट्रिक से इस तरह से चलिए, आपका 100% जो है आपको कैच कार्ड मिलेगा ही मिलेगा। एंड गाइस अगला वीडियो में हो सके तो आप लोगों को मैं प्रूफ दे दूंगा न्यू डिवाइस के साथ ओके गाइस। तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक मैं सीरो हैकर में।